कायदाबाद पर शानदार तिजारती प्रोजेक्ट ABM इकबाल शॉपिंग सेंटर मुतारिफ। गुज़िश्ता रोज़ कायदाबाद में एक शानदार तिजारती मंसूबे का इफ्तिताह किया। कंक्रीट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने ABM इकबाल शॉपिंग सेंटर, जिसमें प्रोजेक्ट के मालिकान सैयद सलमानुल हसन, ताहिर नदीम, इकबाल सान ने मेज़बानी के फ़राइज अंजाम दिए। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम, MPA यूसुफ बलोच, एडवोकेट अब्दुल वहाब, मंसूर मंगी, सैयद आसिफ शाह जिलानी, अली मोहम्मद लाला रहीम, आफाक गौरी, कामरान अयास खान गौरी, फरहान गनी, जानी मेमन और बहुत सी सियासी, समाजी, सकाफती बिल्डर्स आद के मेंबर्स, एडविको के CEO जुबैर अशरफ खान, CEO वियो के शेख गजम्फर और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर अदाकार अयूब खोसा ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर अयूब खोसा का कहना था कि तो मेरी ये दुआ है कि जो ABM इकबाल शॉपिंग सेंटर जो है या मॉल जो है, अल्लाह करे कि ये कामयाब हो और ये कराची में ये समझ लो कि ये एक एज अ हीरा साबित हो। सलमान साहब का कहना था कि ये कंक्रीट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने कायदाबाद की मेन लोकेशन पे लेकर आए हम लोग प्रोजेक्ट ABM इकबाल शॉपिंग सेंटर के नाम से। यहाँ पे ये कायदाबाद और मरीर के लिए आप समझ लें कि गेम चेंजर है ये प्रोजेक्ट यहाँ पे, क्योंकि इसमें शॉप्स हैं और बहुत ही अच्छा एलिवेशन इसमें बना हुआ है। ये बिल्कुल एक अलग तर्ज का कायदाबाद के लिए एक यहाँ पे मॉल होगा इंशाल्लाह। इकबाल सान का कहना था कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि कायदाबाद में जहाँ ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है वहाँ पे स्पेसिफिक कोई और इस तरह का मॉल नहीं है, तो शायद कायदाबाद की तारीख में ये पहला शॉपिंग मॉल होगा। दुकानें मार्केटें तो बहुत हैं, लेकिन इस तरह का सेंट्रलाइज्ड एसी और कैप्सूल लिफ्ट और प्ले एरिया, फूड कोर्ट और इस तरह का शॉपिंग मॉल यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ ये वो पॉइंट है जहाँ अंदरून सिंह से आने वाले दोस्त जो है वह जहाँ से अपनी ख़रीदारी भी करते हैं और बहुत अहम एरिया है। मैं समझता हूँ कि कामयाब प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह। सज्जाद अगवानी का कहना था कि 100% रेगुलराइज्ड और तमाम पाकिस्तान के इदारों से जो है ना ये मंजूर शुदा प्रोजेक्ट है। ये एक अपनी तर्ज का एक शॉपिंग सेंटर बन रहा है जिसका नाम ABM इकबाल शॉपिंग सेंटर है, जिसमें जिसका स्लोगन है पल दुकान जमा अरमान। तो ये वाहिद एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें तमाम लोगों को जो दुकानें हैं वो मालिकाना हुकूक पर दी जाएंगी। कैमरामैन अरशद अली के साथ रुखसार जौहर, वॉइस ऑफ कराची।